ओके गाइस, अब देखो हम लोग मेटलर्जी में आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल की। अकरेंस ऑफ मेटल की, तो मेटल किस तरीके से अर्थ क्रस्ट में इसका अकरेंस होता है। तो हम लोग सब जानते हैं हमारा जो भी मेटल होता है वो अर्थ क्रस्ट से आपको ओर्स के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि बेसिकली कोई भी मेटल हो वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ओर के फॉर्म में मिलेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट तो ऑक्सीजन है, लेकिन अगर मैं मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करूं तो वो प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम रहेगा। तो ये आपके लिए वन पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एल्यूमिनियम के बाद जो सेकेंड नंबर पर आता है वो होता है आपका आयरन, ठीक है। तो जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन है, आयरन। तो दो आपके मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, एल्यूमिनियम एंड आयरन। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जैसे मैंने आपको बताया ये अर्थ क्रस्ट में यूजुअली Al2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके अलग अलग टाइप होते हैं। कभी बॉक्साइट के फॉर्म में मिलेगा। इफ यू कैन सी, मैंने मेरे हाथ में जो रिंग में एक स्टोन पहन रखा है, दिस इज कॉल्ड एज पुखराज। पुखराज मतलब येलो सफायर, येलो सफायर। तो ये जो मैंने स्टोन पहन रखा है इट इज नथिंग बट Al2O3। ये अपने आप में एक एल्यूमिनियम का ओर है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो इट इज कम्प्लीटली साइंटिफिक, हम आगे इसको ऑलरेडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इसमें एल्यूमिनियम के साथ और भी कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग कलर है उसकी लाइट इससे बाहर निकलती है जो हमारी बॉडी में पड़ती है और हमारे बॉडी के आसपास एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करती है। तो दैट इज कम्प्लीटली साइंटिफिक। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में Al2O3 के फॉर्म में मिलता है। आपने नाम सुना होगा रूबी, रूबी यानी कि माणिक इसको हिंदी में बोला जाता है। ये एक रेड कलर का स्टोन होता है। देन आपका येलो सेफायर, येलो सफायर एक येलो कलर का स्टोन होता है, इसको पुखराज बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले दो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं बोलना चाहिए इन्हें, मेटल्स बोलना चाहिए, वो है आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अब अपन फटाफट से अकरेंस के साथ साथ हम लोग इनके कुछ ओर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के मेरे पास में जो ओर्स अवेलेबल है उनका नाम है, एक तो आपका बॉक्साइट, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बॉक्साइट के साथ साथ हमारी NCERT इसमें क्ले को भी इंक्लूड करती है। इनके फॉर्मूले में बिल्कुल इजी वाले यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आप NCERT में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज Al2O3.2H2O एंड क्ले का फॉर्मूला होता है Al2O3.SiO2.2H2O। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, ये आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइड एंड क्ले। अगर मान लीजिए आपके पास में आयरन है तो आपको आयरन के भी कुछ और याद करने पड़ेंगे। आयरन का ओर है हीमेटाइट, हीमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। देन आपके पास में आता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का ओर का फॉर्मूला होता है Fe3O4। फिर आपके पास में आता है हीमेटाइट आप याद कर लो, मैग्नेटाइट आप याद कर लो। अच्छा, इसके अलावा अपन एक काम करते हैं, अपन आयरन पाइराइट भी लिख लेते हैं। तो आयरन पाइराइट इज Fe2S। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास में जिंक आ जाता है ना, अगर आपके पास में यहाँ पर लेट से जिंक आ जाता है, तो जिंक के भी हमारे पास में तीन है, एक होता है जिंक ब्लेंड, एक होता है केलेमाइन और एक होता है जिंकाइट। एक होता है जिंक ब्लेंड, मैं एक एक करके सभी के फॉर्मूले लिख देता हूं। एक होता है जिंक ब्लेंड जिसे आप ZnS बोल सकते हैं, जिंक ब्लेंड। फिर एक आपके पास में होता है केलेमाइन, केलेमाइन इज ZnCO3। जिंक ब्लेंड, केलेमाइन, ZnCO3। एंड इसके अलावा अपन एक और लिख सकते हैं, यहां पर हमारे पास में होता है जिंकाइट, दैट इज ZnO। तो ये कुछ आपके पास में हो सकते हैं। उसके अलावा अपने पास कॉपर भी होता है, कॉपर की भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉपर, तो हमारे पास में कॉपर में जो फर्स्ट वाला हमें मिलता है वो मिलता है कॉपर पाइराइट। नाउ कॉपर पाइराइट इज CuFeS2।
कॉपर पाइराइट को क्या बोलते हैं बच्चों, CuFeS2। इसके अलावा हमारे पास में होता है मैलेकाइट, कॉपर का नेक्स्ट ओर हमारे पास में होता है मैलेकाइट, MALACHIT। मैलेकाइट इज CuCO3.CuOH2, दैट इज कॉल्ड एज मैलेकाइट। इसे आप मैलेकाइट के नाम से जान सकते हो। उसके अलावा हमारे पास में क्यूपराइट और कॉपर ग्लांस भी होता है, दैट इज CuPRIT, क्यूपराइट एंड कॉपर ग्लांस। नाउ क्यूपराइट की अगर मैं बात करूँ तो क्यूपराइट इज CU2O, सिंपल हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर मैं कॉपर ग्लांस की बात करूँ, कॉपर ग्लांस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज CU2S। तो इतने सारे ओर्स के नाम बेटा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक एंड कॉपर, इतने ओर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम लोग पूरा चैप्टर जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन स्पीडली पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए वेरी गुड, अब अपन चलते हैं कि इन ओर से एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कैसे शुरू करी जाए। तो लेट्स स्टार्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दीज ओर्स। अब अगर इन ओर से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी, और वो स्टेप्स मैं आपके सामने सबसे पहले लिखता हूं। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो बेटा सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है ग्राइंडिंग। कौन सी स्टेप होती है? ग्राइंडिंग। हमारी एनसीईआरटी में ग्राइंडिंग स्टेप नहीं दे रखी है, बट हमें इस स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। ग्राइंडिंग के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है बॉल मिल, और इस बॉल मिल या हमारे पास में बहुत सारे ऐसे ग्राइंडर्स होते हैं जिसमें हम लोग हमारे जो अर्थ क्रस्ट से ओर निकलते हैं उन ओर को इन बॉल मिल में या ग्राइंडर में डाल के पीस देते हैं ताकि हमारे ओर को ये काय में कन्वर्ट कर सके, हमारे ओर को ये उसके पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। फिर इस पाउडर्ड ओर का आप करते हैं कंसंट्रेशन, इन पाउडर्ड ओर का आप लोग क्या करते हैं कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का बेसिकली यहां मतलब होता है रिमूवल ऑफ गैंग, मतलब आप अल्टीमेटली गैंग का यहां पर रिमूवल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को बेनिफिकेशन भी बोला जा सकता है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेनिफिकेशन। ठीक है, तो आपने कंसंट्रेशन से क्या करा, गैंग रिमूव कर दिया। गैंग रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को अल्टीमेटली कोई भी जो ओर है, ओर अर्थ क्रस्ट से सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है, ओर अर्थ क्रस्ट से आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है, या उसके ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है। तो कोई भी ओर हो, आपको इस ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगली प्रोसेस में आप क्या करेंगे, आप आपके किसी भी टाइप का ओर हो, मतलब अगर कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर हो, आप उसको काय में कन्वर्ट करेंगे, उसके ऑक्साइड फॉर्म में। ऑक्साइड फॉर्म के बाद आप इसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन की मदद से आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, आपको अल्टीमेटली मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पर आराम से ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट आप एक्सट्रैक्टेड ओर का, आई मीन एक्सट्रैक्टेड मेटल का प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो अब हम लोग फटाफट से आप इसको नोट करेंगे और फटाफट कंसंट्रेशन की सारी मेथड्स देखेंगे, ओर किस तरीके से कन्वर्ट होता है वो देखेंगे, रिडक्शन की प्रोसेस देखेंगे, और अल्टीमेटली प्यूरिफिकेशन देखेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका।